आने वाले महीनों में उपभोक्ताओं को मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ अपने 4G नेटवर्क विस्तार में लगभग 3 से 6 महीने की देरी का सामना करने की संभावना है। अगर सेमीकंडक्टर की ग्लोबल शॉर्टेज और कंपोनेंट सप्लाई चेन चुनौतियां बनी रहती है, विशेषज्ञों और विश्लेषकों का कहना है कि राउटर, बेस स्टेशन और बैकहोल इंफ्रास्ट्रक्चर उपकरण जैसे महत्वपूर्ण 4G नेटवर्क गियर आमतौर पर सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करते हैं और इस स्कोर की कमी संभावित रूप से उनकी निकट अवधि की उपलब्धता को बाधित कर सकती है। साथ ही साथ क्षमता विस्तार योजनाओं में देरी कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप नेटवर्क में कंजेशन हो सकता है। फिच रेटिंग एजेंसी के सीनियर डायरेक्टर नितिन सोनी इस मुद्दे पर कहते हैं कि अगर वैश्विक चिप की कमी जारी रहती है तो सेमीकंडक्टर का उपयोग करने वाले 4G नेटवर्क गियर की उपलब्धता में संभावित व्यवधान हो सकता है, जो दूरसंचार कंपनियों द्वारा गियर की खरीद में देरी कर सकती है और नेटवर्क की तैनाती या विस्तार को धीमा कर सकता है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा 4G नेटवर्क से संबंधित पूंजीगत खर्च में किसी भी संभावित देरी के कारण भारी डेटा खपत के बीच नेटवर्क क्षमता और कवरेज की गुणवत्ता प्रभावित होगी। आपको बता दें कि भारतीय एयरटेल को नोकिया, एरिक्सन, हुआवे और जेटी जैसी कंपनियां नेटवर्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, जबकि रिलायंस जियो को सैमसंग नेटवर्क प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं। एरिक्सन जैसे वैश्विक विक्रेताओं का कहना है कि चिप की कमी जारी रहेगी और अगले साल तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। नितिन सोनी ने यह भी कहा कि चिप की मौजूदा कमी का असर वैश्विक बाजारों में 4G की तुलना में 5G पर अधिक होगा। अगली पीढ़ी की वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवा पूर्ण पैमाने पर 5G लॉन्चिंग में प्रभाव डाल सकता है। बहरहाल सेमीकंडक्टर की ग्लोबल शॉर्टेज और कंपोनेंट सप्लाई चेन चैलेंजेस टेलीकॉम कंपनियों की 4G नेटवर्क सेवा को प्रभावित कर सकती है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।